हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। ये लाइन इस बाइक पे पूरे तरीके से भाई अच्छे से उतर जाती है, क्योंकि ये जो बाइक के सामने मेरे बुलेट, ये बहुत टाइम से चली हुई आ रही है इंडियन मार्केट के अंदर। रॉयल एनफील्ड को दोस्तों बहुत टाइम यहाँ पर हो चुका है, और ये जो बाइक है ये बिल्कुल पहले की तरह ही अभी भी आपको देखने को मिलेगी। किक स्टार्ट ये मॉडल है, अभी भी इसमें आपको यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला बटन देखने को नहीं मिलता है। एक वर्जन आता है इसका, लेकिन फिर भी कंपनी ने अभी भी इसको रख रखा है, क्योंकि उनको पता है यार ये गाड़ी हमारे चीज सेल आउट होती है, लोग इसको लेना यहाँ पे पसंद करते हैं। बाइक की खास चीज क्या है जिसकी वजह से ये जो बाइक है अपने सेगमेंट में बिल्कुल अलग निकल कर आती है, और इसके जो बायर्स हैं इस बाइक से बहुत ज्यादा खुश हैं। पहली चीज आती है भाई, इसके अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं हर एक चीज आपको यहाँ पे मेटल की देखने को मिलेगी, चाहे आप इसके मडगार्ड की बात करो, क्योंकि मैक्सिमम बाइक्स में ये चीजें आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है। टैंक की बात करो, ये आपको पूरा मेटल का देखने को मिलेगा। इसके बैटरी बॉक्स की बात करो या फिर इसके टूल बॉक्स की बात करो, हर एक चीज आपको यहाँ पे मेटल की देखने को मिलेगी। और इसका जो इंजन है ये आपको मिलता है 346 सीसी का, मतलब 350 सीसी मान के चलो आप, जो कि आपको निकाल के देता है 19 की BHP और 28 NM का टॉर्क। तो टॉर्क इस बाइक में आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है, मतलब कि जो लो एंड टॉर्क में जो परफॉर्मेंस कहते हैं कि क्लच छोड़ा हल्की सी रेज ही बाइक बिल्कुल भाग चले पहाड़ों में, ये सब चीज़ें ये बाइक करके आपको आराम से दिखा देगी। सीटिंग कम्फर्ट बाइक आपको बहुत अच्छा मिलता है। राइडर की बात करूँ या फिर पिलियन की बात करूँ, दोनों यहाँ पे कम्फर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कुशन है ये आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। टैंक की बात करते हैं तो आपको ये पूरा मेटल का देखने को मिलेगा। डिजाइनिंग इसमें काफी अच्छी रखी गई है, और यहाँ पे साइड से भी आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का इस तरीके से बैज लगाया गया है, इसी की वजह से भाई इमोशन और फील पूरे पूरे यहाँ पे जुड़े गए हैं। हेड जो है इसका मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पहले बाइक में जरा बैठ जाता हूँ फिर आपको मैं हेड अच्छे से शो करता हूँ। तो इसका जो यहाँ पर हेड है इसकी भाई बात ही अलग है, मतलब जब भी आप बाइक को इस तरीके से राइड करोगे तो जिसकी हेड की फीलिंग आती है वो बहुत जबरदस्त मिलती है। कंपनी ने इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा चीज आपको कुछ भी नहीं दी, मतलब एक आपको यहाँ पे स्पीड दे दी, यहाँ पर आपको बीच में ऑडोमीटर दे दिया या फिर ट्रिप मीटर भी आप इसे कह सकते हो, बस और कुछ नहीं दिया। अगर आप इसको ऑन करते हो इस तरीके से तो यहाँ पे फ्यूल का इंडिकेटर शो हो जाएगा, बाकी आपको यहाँ पे इंजन की लाइट देखने को मिलती है, ईबीसी लाइट देखने को मिलती है, बाकी चीजें कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और लेकिन फिर भी स्टार्ट करोगे बाइक को और जो इसके अंदर आपको फील आता चलाते वक्त, वो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर होता है। यहाँ पर अगर मैं इसके मिरर की बात करता हूँ तो ये आपको प्लास्टिक में दिए गए, पहले तो ये भी आपको पूरे मेटल में देखने को मिलते थे, और इसके जो साइज है ये आपको डिसेंट देखने को मिलेगा। बटन्स की बात करता हूँ तो क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलती है, क्वालिटी में कोई इशू नहीं आता है बटन्स को लेकर के, टर्न इंडिकेटर की बात करूँ या फिर मैं हाई बीम लो बीम की बात करूँ या फिर आगे से डिपर की बात करूँ, हर एक चीज़ की क्वालिटी आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको इस तरीके से हॉर्न का बटन देखने को मिलेगा, और हॉर्न भी इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा आपको लाउड देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको किल स्विच देखने को मिलेगा, अगर आप इसका इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाले वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको अभी बटन देखने को मिलता है, वरना इसमें आपको नॉर्मल किक से ही बाइक को स्टार्ट करना पड़ता है। तो भाई फीचर्स इस बाइक के अंदर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, जो भी मिलेगा वो मिलेगा इसका आपको लुक और फील। लाइटिंग सेटअप की बात करते हैं तो रिफ्लेक्टर सेटअप आपको देखने को मिलता है हेलोजन में, टर्न इंडिकेटर भी आपको हेलोजन में देखने को मिलेंगे। 19 इंची टायर मिलेंगे आगे भी पीछे भी, लेकिन बेकार चीज़ क्या लगी यार कि आपको ट्यूब वाले देखने को मिलते हैं, जो कि हमें पुराने टाइम में देखने को मिलते थे, मतलब स्कूटर्स के टाइम में देखने को मिलते थे, वही चीज़ इसमें अभी भी कंटिन्यू करी गई है। ये सब चीज़ इसलिए करती है कंपनी ताकि इसमें कॉस्ट कटिंग हो जाए, बाइक आपको थोड़ी यहाँ पे सस्ती पड़ जाए। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा जो कि ABS के साथ आता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ करी क्या इसने ABS दे दिया, क्योंकि लोग इस बाइक को दौड़ाते बड़े भयंकर तरीके से हैं। और पीछे आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, और अगर आप इसके एग्जॉस्ट स्टील पाइप देखेंगे तो ये पूरा इस तरीके से ओपन है, तो अगर कभी आप पैजामा वगैरह में चला रहे हो फिर निक्कर में चला रहे हो, गलती से आपका यहाँ पे पाउंड टच हो गया, जैसा हम करते हैं ना मैक्सिमम टाइम्स हम घर से निकल जाते हैं चप्पलों में सैंडल में और यहाँ पर हमारा पाउंड टच कर जाता है, तो भाई उस चीज़ से बच के चलना। बाइक को अगर चलाओगे तो जूते अच्छे से पहन लेना और अच्छे से पूरी जीन्स वगैरह डालना तभी चलाना, अगर गलती से टच हुआ तो भाई फिर तो बेकार चीज़ हो जाती है पूरी पूरी। तो इस तरीके से बाइक के यहाँ पे ओवरऑल लुक बनता है। राइडर के हिसाब से बाइक बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका जो वेट है मेरे को ऐसा लगता है कि रॉयल एनफील्ड के स्टैंडर्ड को देखते हुए वेट बिल्कुल ठीक है, 186 kg समथिंग इसका वेट निकल कर आता है, जो कि परफेक्ट वेट में कहूँगा इसका। मेन जो आता है भाई लुक और फील बाइक में पूरा पूरा मिलता है, एयर कूल्ड आपको इसके अंदर इंजन देखने को मिलेगा, बाकी जो स्टैंडर्ड टेल टाइडी हमारे इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से है वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। पिलियन के लिए आपको फुट पैडल इस तरीके से देखने को मिलेगा, और पीछे का लाइटिंग सेटअप भी आपको बड़ा ज़बरदस्त लगता है, इसका भी जो डिज़ाइन है ये बहुत प्रीमियम मिल जाता है आपको। तो बाइक की बातचीत ओवरऑल तरीके से ऐसी कुछ रहती है, यहाँ पे बहुत पुरानी बाइक है यार, मैंने सोचा कि आपको बड़ा दिखा दूँ, आपको नॉस्टैल्जिया वाला पूरा पूरा फील यहाँ पे करा दूँ, ताकि आपको भी याद आ जाए कि भाई हमारी जो बुलेट है वो असल में ऐसी आती है। अब तो क्या इसकी बहुत सारी बाइक्स देखने को आपको मिलेंगी, लाइक यहाँ पे आपको स्क्रैम्बलर देखने को मिलती है, वहाँ पे नई वाली जो आपको मेटियोर है वो देखने को मिलेगी, फिर यहाँ पे नई वाली क्लासिक देखने को मिलती है, लेकिन इस वाली जो स्टैंडर्ड है भाई ये जो बुलेट है इसका फील अलग है, पूरा पूरा फील अलग है, और यही बाइक आती है रॉयल एनफील्ड बुलेट के नाम से, असल बुलेट यही है। तो बस वीडियो करते हैं एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ है वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर जरूर से करना, सब्सक्राइब कर लेना यतिन कुंडला 2.0 बाइक का चैनल। मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्दी से नई वीडियो के संग, तब तक ले जय हिंद जय भारत।